दोस्तों, मैं जेल से निकल के सीधा आप लोगों के पास आ रहा हूं। इन लोगों ने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया था। मान साहब मेरे से मिलने आया करते थे जेल में। मैं मान साहब से यही पूछता था, पंजाब में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग खुश हैं, मैं सोच रहा था इन लोगों ने मेरे को जेल में क्यों डाला, मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है, बस दो राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में। कसूर ये है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, इसलिए जेल में डाला। ये नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। मेरा कसूर यह है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आपके स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए जेल में डाला। ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो, ये नहीं चाहते आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मेरा कसूर यह है, आप लोगों के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं हम लोग, आपके लिए फ्री दवाइयों का, इलाज का इंतजाम कर दिया। विडंबना तो देखो, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए मैंने सबका इलाज फ्री कर दिया, सबकी दवाइयां फ्री कर दी। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरे को 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, रोज मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लगता है। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। 350 पहुंच गई मेरी शुगर। अगर शुगर ज्यादा दिन रह जाए तो आदमी का लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ऊपर वाले की कृपा देखो, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन की मोहलत दे दी और मैं आप लोगों के बीच में आज मिलने के लिए चला। अब ये लोग कह रहे हैं 20 दिन के बाद मेरे को जेल जाना पड़ेगा दोबारा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप झाड़ू का बटन दबा दोगे, मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दूसरा बटन दबाओगे तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। जब आप वोट डालने जाओ तो ये याद रखना, जब आप बटन दबा रहे हो याद रखना कि बटन आप केजरीवाल की आजादी के लिए दबा रहे हो या केजरीवाल को जेल भेजने के लिए दबा रहे हो। दूसरी बात, ये कह रहे हैं हमें 400 सीट 400 पार। हमने इनसे पूछा 400 सीट क्यों चाहिए, बोले मोदी जी को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमने कहा क्या बड़े काम करने हैं, बताया नहीं इन्होंने। फिर बड़ा खोद खोद के पूछा तो पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, अगर इनका बहुमत आ गया तो ये एससी एसटी ओबीसी इनका रिजर्वेशन खत्म करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म करेंगे, दोबारा चुनाव कराने बंद कर देंगे, इस देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, आम आदमी पार्टी है केवल जो इन लोगों से लड़ रही है, इसी वजह से ये हमारे पीछे पड़े हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है, लेकिन हमारे लिए कोई जेल हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है। तो इस बार जब झाड़ू का बटन दबाओ तो ये याद रखना, वो बटन आप संविधान बचाने के लिए डाल रहे हो और देश बचाने के लिए डाल रहे हो।